मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दिलाने की तमाम कोशिशों के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों का लापरवाही पूर्ण रवैया बढ़ता जा रहा है। शासकीय शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। ऐसे ही हालात भिंड जिले के महगांव ब्लॉक के ग्राम खेरिया तोर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है। यहाँ बच्चे तो पढ़ने आते हैं पर टीचर नहीं आते। यहाँ स्कूल की बिल्डिंग में ताला लटका रहता है। यहाँ के बच्चों के माने तो यहाँ जो शिक्षक है वे 2-4 दिन के लिए आते हैं और अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर चले जाते हैं। बच्चों की बारे तो स्कूल में खाना भी खाने लायक नहीं बनता। यहाँ आपसे मिली भगत से शिक्षक मौज कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है शासकीय विद्यालय में शिक्षकों की आपसी मिली भगत से ये संचालन होता है। अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों का यही हाल है। पूरे स्टाफ के तालमेल से कुछ शिक्षक चिन्हित दिनों तक विद्यालय आते हैं और बाकी अन्य शिक्षक घर बैठे वेतन प्राप्त करते हैं। देखे हमारी खास रिपोर्ट चंबल तक पर जयदीप सिंह जादौन के साथ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहिनी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? थर्ड। कौन से यहाँ पे टीचर आते पढ़ाने को आपको? क्या क्या नाम है उनका? एक ही सर आते हैं बस। हाँ। और कोई मैडम वगैरह इसमें है वो आती है कि नहीं आती है? एक मैम आती है बस। कब? कल आई थी आज नहीं आई। एक दिन छोड़ के आती है? हाँ। क्या नाम है उनका? मुझे नहीं पता। कौन से क्लास में हो बेटा? फाइव। क्या नाम है? साधना। साधना, कौन कौन पढ़ाने आता है आपको यहाँ? एक आशा मैम आती है, एक सर आता है। आशा मैम रोज आती है? रोज ही आती है, एक दिन छोड़ के आती है। एक दिन छोड़ के आती है। पढ़ाई होती है? नहीं। पढ़ाई क्या है? खड़े हो जाओ तुम। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बच्चा। कौन से क्लास में हो? फोर्थ। कौन कौन पढ़ाने आता है यहाँ? सर और आशा मैम। आशा मैडम डेली आती है? नहीं, कभी 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 आती है। आती है? नहीं। ठीक है। इस समय मौजूद है महंगा विकास खंड के खेरिया तोर प्राथमिक स्कूल में और यहाँ पर हम आए तो हमने यहाँ स्कूल के शिक्षक से जानकारी ली और यहाँ के स्टूडेंट से जानकारी ली। तो यहाँ पे स्टूडेंट का कहना यह है कि एक सर है जो वर्तमान में भी हैं और एक मैडम और आती है और मैम एक दिन छोड़कर आती है। ये यहाँ की मध्य प्रदेश के भिंड की एजुकेशन व्यवस्था है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर हो, उनका कहना यह रहता है कि शिक्षा को मजबूत करना है हमको। क्या इसी के अनुसार शिक्षा मजबूत होगी? बच्चों को एलिफेंट की स्पेलिंग तक पता नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए कोई बच्चे को पूछते हैं तो कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। पढ़ाई की पूछे तो पढ़ाई की बता रहे हैं कि कोई पढ़ाता नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्टाफ है वो एक दिन छोड़कर आता है। ये स्थिति है एजुकेशन की यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? लाला राम गर्ग। कौन से पद पदस्थ हैं आप यहाँ? सारे शिक्षक पद पर। कितने स्टाफ हैं सर यहाँ? सर हम तो मैडम दो ही आते हैं, एक तो नहीं। रिकॉर्ड में कितने? रिकॉर्ड में तीन है सर। तीन में कौन कौन? क्या आप और मैडम का क्या नाम? आशा मैडम। और तीसरे रघुवीर सिंह तोमर। तो यहाँ पर मैडम का बच्चे बता रहे हैं कि एक दिन छोड़कर आती है। नहीं, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। पूछ रहे सर और बच्चे? नहीं, हम तो तीन बच्चों को बोल चुके हैं ना सर, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। कौन बच्चा कह रहा था मैडम? तीन बच्चों ने बोला है सर। आप ना झूठ बोल रहे हैं, आप तो आ रहे हैं बच्चे। आपको पता है सर, बच्चे भगवान का रूप है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आप जो सत्यता है, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना नियम से। आपको सैलरी आती है डांस के, कभी गड़बड़ करती है सैलरी? तो फिर यहाँ पर स्टाफ भी उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि सैलरी जो टाइम है अब उस टाइम आ रही है, तो यहाँ पर मौजूद रहना भी सर बहुत जरूरी है। तो आप उनके, आप अपने स्टाफ के बचाव में नहीं आए सर, जो सत्यता है वो है।